नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा बनारस के गंजारी गांव में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कितना निर्माण कार्य हुआ है। आज 8 नवंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूं रिंग रोड के सर्विस रोड पर और आगे में ही गंजारी गांव। आप यहाँ देखेंगे तो गंजारी गांव, इसका जो है बस स्टॉप है और इसके आगे ही आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारी आपको मैं समय समय पर देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों को और अन्य जिलों में भी हो रहे विकास कार्यों को मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आने वाले समय में मैं आपको विभिन्न राज्यों के भी वीडियो आपको दिखाऊँगा। फिलहाल मैं इसी बीच पहुँच गया हूँ गंजारी गांव में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थल पर। यहां क्या कुछ निर्माण कार्य हो रहा है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। काम की शुरुआत तो हो चुकी है। करीब 32 एकड़ में बन रहे इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के कहा तो हुआ है और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत अगर मैं बात करूं तो करीब 450 करोड़ से ऊपर की है। फिलहाल यह है निर्माण स्थल पर बन रहे कार्य। तो चलिए आपको मैदान के अंदर की तरफ ले जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या निर्माण कार्य हो रहा है। चलिए दोस्तों, आपको बैक कैमरे से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में कितना निर्माण कार्य हुआ है उसको पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए निर्माण कार्य। फिलहाल ये आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम स्थल, सामने ही आप देखेंगे तो आपको रिंग रोड दिखाई दे रहा है और इस रिंग रोड से बिल्कुल लगा हुआ ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी गांव में बनने वाले और जिसकी क्षमता कुल करीब 30,000 से अधिक की क्षमता है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे काफ़ी निर्माण सामग्री लाकर रखा हुआ है और निर्माण भी चल रहा है। चलिए पास चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ संभवतः लेबरों का निवास स्थल बनाया जा रहा है जिसकी तैयारी आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में निर्माण सामग्री लाकर रखा हुआ है और ये सभी आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बन रहा है उस जगह का। चलिए पूरा आपको जगह पर मैं ले चलूँगा जहाँ पर काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। आज दोस्तों, आज तारीख जैसा कि मैंने आपको बताया 8 नवंबर, सभी देख रहे हैं दृश्य, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी गांव से। बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर लगाए जाएंगे जिसकी तैयारी चल रही है। स्टाफ क्वार्टर फिलहाल बनाया जा रहा है।
दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट आप देख रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बनने वाले जगह से। चलिए दिखाते हैं स्टाफ क्वार्टर कहाँ बन रहा है। एक देख रहे हैं निर्माण स्थल यहाँ पर। दूसरी तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो वो आपका स्टाफ क्वार्टर है। ये आप देख रहे हैं कारें में काफी तेजी है। अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार बन रहा है। देख रहे हैं ये स्टाफ क्वार्टर्स जो बन रहे हैं उनका ये दृश्य है। निर्माण स्थल से सीधा आपको मैं ये सभी दृश्य दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा काफ़ी बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं जितना भी हरे रंग का ये बैरिकेडिंग किया गया है इस मैदान के बीचों बीच, यहाँ आपको क्रिकेट पिच बनाया जाएगा या मैदान इसी के बीच में पिच होगा और ये पूरा चारों तरफ से आपको घेरा बंदी किया हुआ दिखाई देगा। काफ़ी बड़ा इलाका है जैसा कि मैंने आपको आगे भी दिखाया कि कहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बन रहा है और ये आपको घेरा बंदी करके बीचों बीच संभवतः यहीं पर आपका बीचों बीच पिच का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसको चारों तरफ से बैरिकेटिंग किया गया है यानी कि आप यहीं पर आपका स्टेडियम का निर्माण कार्य होगा। गोलाई में बिल्कुल ये किया गया है और आगे मैंने आपको दिखाया वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जा रहे थे। तो चलिए और आगे आपको दिखाऊं। स्टाफ क्वार्टर आप देख रहे हैं काफ़ी दूरी में बनाया जा रहा है, ये स्टाफ क्वार्टर बन रहा है और इस तरफ मैंने आपको दिखाया ये मैदान जहाँ पर स्टेडियम बनाया जाएगा बीचों बीच। सामने ही आप देख रहे हैं रिंग रोड, काफी तेज गति से निर्माण कार्य इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं, सामने में ही आप देख रहे हैं ये भी आपका स्टाफ क्वार्टर यहाँ भी बनेगा। फिलहाल ऑफिस यहाँ पर बनाया गया है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं और ये है आपका मैदान। काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर कार्य पर जाते हुए और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पास में कि ये जो हरे रंग का आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग किया हुआ, ये आपका पूरा
स्टेडियम का भीतरी भाग होगा जहाँ पर पिच और आपका मैदान होगा। ये आप देख रहे हैं, ये मैदान वाली जगह है, गोलाई में बिल्कुल इसको घेर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।